नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल पंडित ब्रोज में। मैं नाम लोकेश पंडित। मैं नाम रोहित पंडित। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट होने वाली है, और इस वीडियो का टाइटल है द रियल ट्रूथ ऑफ भागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री एक्सपोज। जैसे कि दोस्तों, आप भी न्यूज़ में आजकल सुन रहे होंगे जो ये भागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं काफ़ी वायरल हो रहे हैं काफ़ी, क्योंकि इनके मतलब कि कुछ ऐसा हुआ है कि इनके पास ऐसी शक्तियाँ हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ आप मान सकते हैं कि मतलब कि ये बिना बंदे को देखे हुए उसका नाम मतलब क्या, उनको क्या दुख है और उसका क्या निवारण है सब कुछ एक पत्र पर लिख देते हैं, और जिससे कि वो बंदा भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये बिना जाने मुझे कैसे मेरा मतलब कि इन्होंने बारे में ऐसा सब कुछ लिख दिया और मेरी प्रॉब्लम भी इसके अंदर लिख दिया। तो कुछ लोगों ने इनको फेक बताया और कुछ लोगों ने इनको शर्त लगाई कि अगर आप, मैं अपने वॉलेंटियर लेके आऊँ और उनको आप बता दें इनका नाम इनकी प्रॉब्लम क्या है तो मैं आपके भक्त हो जाए वरना आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। तो ऐसी काफ़ी सारी वायरल वीडियो हुई भी है, और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या उनका झूठ है क्या उनका सच है। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो हे गाइस, इट्स मी धीरू वांचिक, और आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम के बारे में। और बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके ऊपर जितने भी कंट्रोवर्सी चल रही है वो सब डिस्कस करेंगे। अभी तो तुमने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी जिसमें लोग इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में है, बहुत सारे नहीं लगभग सभी लोग इनके सपोर्ट में है। वेल, जो जो चीज मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ वो सारी वीडियो से काफी ज्यादा अलग होने वाली है, और मेरा जो सोचने का और देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत अलग है। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। ऑल्सो तुम एयरपोर्ट्स प्रो जो है ₹1 में जीत सकते हो, तुम में से तीन लोग कैसे वो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। मनोज जी हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी इल्यूजनिस्ट हैं, यानी कि वो जो भ्रम पैदा करते हैं, जो हाथ की सफाई आप कह सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं, और उनके बेटे जो है मनोज वो माइंड रीडर हैं, यानी कि आपके मन में क्या चल रहा है वो ये पढ़कर आपको बता सकते हैं। आप जो भी ये नाम सोच रहे हैं अपने जहन में ले और ये नाम बार बार बोले, सोचेंगे आप उनको खेलते हुए देख रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही कि न्यूज चैनल वालों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये अपने चैनल पे एक मेंटलिस्ट को बुलाते हैं और वो सामने वाले का या फिर सामने वाले से रिलेटेड किसी एक बंदे का नाम बता रहा 5-6 मिनट लेके, और दूसरी तरफ जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो 1 या 2 मिनट में उसको पूरा चिट्ठा, उसके खानदान का चिट्ठा एक पेपर पे लिख दे रहा है वो भी एकदम लाइव, तो ये चीज करने से वो इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं या फिर इनकी पावर या फिर जो भी इनकी विद्या शक्ति कला जो भी तुम कहना पसंद करोगे उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो कितनी पावरफुल है। बड़े मन बुद्धि है भाई ये न्यूज चैनल वाले ना। हमने 3 पर्चा बनाए, पुनः एक बार देख लो कौन सा नंबर है? 1। अब 2। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, हम उनको माइंड को पढ़ सकते हैं, उनके माइंड को पढ़ सकते हैं कि ये हमारे हैं, या उनसे पहले मिल भी सकते हैं, फिर यहाँ पर चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने पर्चा बनाए 3, आप व्यक्ति उठाओगे 3, आप ही व्यक्ति भेजोगे और आप ही ये बताओगे कि उस व्यक्ति को कौन सा नंबर पर्चा खोलना है, 3 नंबर का या 2 नंबर का, आप वही बोलोगे पर्चे पर भी और व्यक्ति भी वही उठाओगे जिसके लिए हमने लिख रखा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन है धीरेन्द्र शास्त्री जी। छत्रपुर में एक जगह है भागेश्वर धाम करके, जहाँ के संत कह लो, साधु कह लो, शास्त्री कह लो, वो है धीरेन्द्र शास्त्री जी। मतलब इनकी एक सभा होती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, जहाँ ये भगवान को लेकर आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद में एक चीज होती है जहाँ पे ये लोगों की मन की बातें पता लगाते हैं। आपकी बेटी का मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा, बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा, वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, और जो उनकी दिक्कतें होती है वो सुलझाते हैं, और साथ ही साथ किसी पे अगर भूत प्रेत आ रखा है तो वो भी भगाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात अभी तुम्हें बता दूं जिसका डिस्कशन आगे चल के करेंगे, कि ये जो सभा लगाते हैं इन पे जो लोग आते हैं वो आज से नहीं, अभी से कम 4-5 साल पहले से आते हैं। टीवी पे एक धार्मिक चैनल है जिसपे 4-5 साल से इनका शो जो है लगातार आता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अभी ही क्यों लोग इनके बारे में इतनी बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई एक ट्रेंड चल चुका है अभी तो। न्यूज चैनल वाले अगर इनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी टीआरपी आ रही है, यूट्यूब पे वो वीडियोज डाल रहे हैं, मैजिशियंस को बुला बुला के उन्हें एक्सपोज करने की क्लेम कर रहे हैं, उन्हें एक्सपोज करने का, तो उस पर बहुत तगड़े तगड़े व्यूज आ रहे हैं, बहुत तगड़ी तगड़ी गालियां भी पड़ रही है। हम कभी अपने लिए मांगते नहीं, दक्षिणा लेते नहीं है, आय शुल्क लेते नहीं। इतनी भीड़ जो लाखों करोड़ों लोगों की आती है, ये पैसा लेके आते हैं, चढ़ाते हैं, आप नहीं लेते हैं? कभी नहीं, चढ़ोतरी होती ही नहीं हमारे यहाँ। कोई दानपेटी कथा में आप बता दीजिए, दानपेटी हो, लेकिन भावना है। किसी का काम सफल हो जाता वो आके कहता गुरुजी
कुछ सेवा। और यार इन सब लोगों के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि एक मेंटलिस्ट है, लेकिन तुम ये तो सोचो कि जो उनकी कला है, जो उनकी आर्ट है, वो यूज किस चीज के लिए कर रहे हैं, क्या वो कोई गलत चीज कर रहे हैं उससे। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूँ, बागेश्वर धाम में जो है हर दिन हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है और साल में कई सौ गरीबों लड़कियों की शादी की जाती है बिना किसी दहेज और बिना किसी दक्षिणा लिए। और यार तुम्हें पता है कि दहेज वगैरह को लेकर एक लड़की की शादी करना कितना मुश्किल होता है, खासकर गरीब परिवारों के लिए। सबको ही मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। भाई सामने वाला बंदा खुद बोल रहा है कि मैं मंदिर नहीं, पहले मैं कैंसर के हॉस्पिटल खोलूंगा। खोले नहीं है अभी तक, मुझे पता है, लेकिन जस्ट तुम उसके थॉट्स देखो ना भाई, कितने सही है। बंदा अगर ऐसी चीज कह रहा है, वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं तो उनके दिमाग में कुछ तो जागेगा ना कि भाई धर्म के साथ साथ ह्यूमैनिटी भी नाम की एक चीज होती है, लोगों का भला करना चाहिए। वहाँ बैठे लोग भले हॉस्पिटल ना खोले लेकिन किसी ना किसी तरीके से लोगों की मदद जरूर कर देंगे कभी ना कभी। लोग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो वहाँ पे जाके तो समझ में आता है कि भाई तुम्हें एक्सपोज कर रहे हो न्यूज चैनल पे, बहुत अच्छी बात है करो, लेकिन जब हर तरह से वो सही इन्फ्लुएंस कर रहा बंदा तो क्यों क्यों दिक्कत है। और भाई पिछले दो हफ्ते से इनके चैनल पे सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम एक्सपोज, धीरेन्द्र शास्त्री एक्सपोज यही चल रहा है। पता नहीं कितना मिल्क करेंगे भाई यार, इतना तो यूट्यूबर्स हैं टिकटॉकर्स का कंटेंट मिल्क नहीं करते। मन में सोचते रहिए इसके बारे में, जो भी आपको बनना है उसके बारे में आप मन में सोचिए, बस आंखें बंद करके सोचिए कि आप वो कर रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। फौजिया आंखें खोल दीजिए, क्या बनना चाहते हो आप लाइफ? सोशल एक्टिविस्ट, मैंने क्या बोला था? इसने बहुत सारी चीजें बदल कर आप पहुंचे एक सोशल एक्टिविस्ट पे। बताइए बताइए, कैम टू काटिए ये है। और भाई मैंने थोड़ा इंटरनेट पे सर्च किया था कि ऐसी ये जो स्लिट होती है ये डिजिटल भी आती है क्या, तो मुझे वहां से पता लगा कि हाँ आती है। मे भी ये सब सही लिख रहे होंगे, अच्छा लिख रहे होंगे, जो सामने वाला सोच रहा वही पढ़ के लिख रहे होंगे। और भाई जब इन पे सवाल उठाए जा सकते हैं तो हम इन पे सवाल क्यों नहीं उठा सकते है? मैं तो भाई कहूंगा कि ये डिजिटल स्लिट है, दूसरी तरफ कोई स्मार्टफोन से बैठ के इसे कंट्रोल कर रहा है, जब सामने वाला जवाब दे देता है तब ये उधर टाइप करके इधर दिखा देते हैं। मैं तो कहूंगा मुझे रोक लो कोई, मैं तो कहूंगा। जैसे कि तुमने देखा एक मेंटलिस्ट को जो है एक बंदा सामने चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है ये पता लगाने के लिए, और कुछ टाइम चाहिए। बट जहां तुम बागेश्वर धाम की कुछ वीडियोस देखोगे वहां तुम्हें पता लगेगा कि उसके सामने हजारों लोग बैठे हैं, उनमें से वो किन्हीं दो या तीन या चार, एक का नहीं, पहले ही एक पेपर, कॉपी वाला पेपर लेके, डिजिटल स्लेट लेके नहीं, वो लिख दे रहा है कि इस बंदे को क्या दिक्कत हो सकती है, कि मन में क्या चल रहा है, इसका नाम क्या, इसके चचा के फूफा के लौंडे का नाम क्या है। तो अगर तुम्हारी ही भाषा में उसे माइंड रीडर कहेंगे, आर्टिस्ट कहेंगे, कलाकार कहेंगे, धर्म की बातें सारी साइड हटा देते हैं, तो क्या वो इज्जत डिजर्व नहीं करता, रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता है? इसी सेम पॉइंट से एक चीज निकलती है, न्यूज़ रिपोर्टर्स और बाकी लोगों का कहना है कि लोग जो है इन पे अंधविश्वास कर रहे हैं, इन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हैं। अब भाइयों सामने वाला कुछ भी मान के बैठे, उन्हें भगवान मान के बैठे, इंसान मान के बैठे, लेकिन वो अपने मुंह से क्या कह रहा है वो तुम खुद सुन लो। हमारे पास कोई मशीन नहीं है, ना हम कोई मन पढ़ने वाले माइंड रीडर हैं, हम तो अपने इष्ट के सेवक हैं और अपने शास्त्रों के सच्चे साधक हैं, उनके आधार पर जो हमें गुरु जी ने प्रेरणा दी, जो हमें इष्ट प्रेरणा देते हैं, हम वो लिख देते हैं। सच निकले या झूठ, वो व्यक्ति की श्रद्धा और बालाजी की कृपा, न आप कुछ हो न हम कुछ। धाम अगर जुड़े अथवा बालाजी से जुड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी ना होए, हम खुद दूसरा ना आशीर्वाद दे के जाओ तुम आओ भलो हो जाए, तुम जिंदा रहो, हमें खुद एक दिन मन ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी ना हो, बीमारी तो होगी पर बीमारी के लड़ने की क्षमता रहेगी। अब जब सामने वाला बंदा खुद बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं हूं, जिन्हें तुम मानते हो भगवान उनका मेरे सर पे आशीर्वाद है, उन्हें पूजो, मेरी पूजा मत करो, तो तुम और इंसान से क्या चाह रहे हो? या तो वो बंदा कुछ गलत करे अपने करियर में, या फिर उसने अभी तक कुछ गलत किया हो, तो समझ आता है कि भाई उन पे उंगली उठाओ, उनके बारे उल्टा सीधा बोलो, लेकिन जब ऐसा कुछ है नहीं तो बिन बात के लोग उनके पीछे क्यों पड़ रहे हैं? और भाई मैं या फिर आजकल लोग इतने पागल नहीं है कि सामने वाले को भगवान मान के बैठ जाएं, इतना उन्हें भी पता है कि क्या सही है क्या गलत। तो मैं कभी भी किसी को भगवान मान के नहीं बैठने वाला, मैं तुम्हें भी कहूंगा कि भाई मत बैठना, जब तक वो तुम्हारे लिए सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हैं तब तक वो अच्छे हैं, ठीक है। अगर वो आगे चल के कुछ गलत करता है तो तुम्हें आगे सोचना है कि क्या करना है, उन्हें फॉलो करना है नहीं करना है। एंड क्या तुम्हें साउथ इंडस्ट्री के बारे में पता है? जब वहां पे किसी एक्टर की मूवी रिलीज होने वाली होती है कि फिर उनका बर्थडे होता है, तो भाई उनकी बड़ी सी मूर्ति लगा के उसकी पूजा की जाती है, उस पे जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। तो भाई उन लोगों से भी जाके लड़ो ना कि इन्हें क्यों भाई भगवान मान के बैठ रहे तुम, वो तो किसी के मन की बात नहीं बता रहे, फिर भी बस एंटरटेन कर रहे हैं आके स्क्रीन पे। और इनके जो ओपिनियन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं, अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो, मारना नहीं है, जरूरत लगे तो प्लीज तुम्हें बात की सौगंध। जवाब में आपका जवाब मैं सुन रही थी, आपका इंटरव्यू था कि अगर कोई हम पे बंदूक उठाए तो उस पे बंदूक तान दो,
मतलब आप गांधी जी को नहीं मानते कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो? महात्मा गांधी के हम पूर्ण समर्थन में हैं, उनकी अहिंसा वाली बातें हमारे रंग रंग में भरी हुई हैं, लेकिन आत्मरक्षा करना भी तो उन्होंने ही सिखाया। अब जब मर जाएंगे तो फिर कौन आत्मरक्षा करना सिखाएगा? अब भाई ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं वो तुम खुद डिसाइड कर लो, लेकिन मेरे को एक थप्पड़ मारेगा मैं दूसरा खुद मार दूंगा खुद ब खुद। मुझे कोई परेशान करने आएगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, ये तो मेरा भी मानना है अगर मैं उस जगह गलत नहीं हूं तो। कई लोगों को इस चीज से दिक्कत है कि ये जो अपने धर्म का वो बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, अपने धर्म के साथ अपने ही लोगों को जोड़ रहे हैं। देखो अगर तुम पुराने टाइम की चीजें पढ़ोगे तो तुम्हें उनमें पता लगेगा कि जितने भी साधु संत शास्त्री लोग होते थे उन लोगों का काम ही ये होता था कि वो लोगों को अपने धर्म से जोड़ के रखें, अपने धर्म का प्रचार करें अच्छे से। हर धर्म का जो इंसान होता है वो अपने धर्म में बिलीव करता है, वो यही चाहता है कि ये सालों साल आगे आने वाले जनरेशन तक चलता रहे। और यार ये इकलौते ऐसे नहीं है, कितने सारे लोग हैं जो ये सेम चीज कर रहे हैं अलग अलग रिलीजन्स में। और मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर समुदाय हर रिलीजन हर इंसान हर जानवर की इज्जत करता हूं भाई। हर जानवर के लिए मेरे दिल में जगह है, हर इंसान के लिए मेरे दिल में जगह है। और मैंने बहुत सारी वीडियोस के कमेंट पढ़े हैं जिसमें लिखा होता है नीचे अगर ये ऐसे ही सामने वाले के मन की बात जान लेते हैं तो भाई सीआईडी का क्या रोल है, सीआईडी पुलिस ये सब इतनी मेहनत क्यों करता है सामने वाले को बैठा के ऐसी उसके मन की बात जान ले। तो उसी में एक कमेंट था, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जो थे उन्होंने सुसाइड किया था या मर्डर था ये भी लगा लो भाई बाबा जी से पूछ के। हाँ तो भाई वहां जाके पूछ लो वो बता देंगे शायद, लेकिन अगर तुम वहां जाओगे तो तुम औरों के बारे थोड़ी पूछोगे, पर तो तुम अपना ही भला सोचोगे अपना ही जानना चाहोगे। इंसान सेल्फी से दोस्त। अब मैं तो गया नहीं हूं तो मुझे पता नहीं है, जितने लोग जा रहे हैं रिपोर्टर विपोर्टर चाहे उन्हें कुछ ऐसा पूछ लेना चाहिए। बाकी ज्यादा इन चीजों में डीप मत जाओ भाई, कर्म करो जो भी तुम्हारे जानने वाले नहीं मतलब जिनमें तुम्हारी श्रद्धा है, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग होते हैं, तो उनको सुबह उठ के याद करो, शाम सोते हुए याद करो, अच्छे अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो भाई, और इससे ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। मैं सोच रही थी छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह कितने दिनों से जुड़े? एक महीना हुआ होगा मेरे को, बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा भाई देख मैं तो फैन हूँ, मैं दिल ठोक के कह रहा हूँ भाई। दोस्तों मुझे इस वीडियो में देखा जो इस वीडियो में हमें समझ में आया कि जो बाबा थे मतलब कि जो ये बागेश्वर धाम वाले बाबा थे, इन्होंने जो बोला लोगों के बारे में काफ़ी सच बोला और काफ़ी मतलब कि लोगों को बिलीव भी हुआ इनके ऊपर, क्योंकि जो मीडिया थी जो न्यूज़ थे उन्होंने इनका मतलब कि जो लग रहा था कि एक तरह का एक्सपोज करना एक तरह की ट्रिक होती है जो उन्होंने दिखाया, जो ट्रिकर होते हैं जो मैजिशियन होते हैं उनको अपने मीडिया मतलब कि न्यूज़ चैनल पर बुलाया भी उनको, मतलब कि उनसे दिखाए कि आप बोलो आप क्या बनना चाहते हो मन में, तो वो लिख देती थी। तो ऐसे ही ट्रिक बताया कि बाबा भी ऐसी ट्रिक करते होंगे शायद। और जैसा कि इस भाई ने बताया कि मतलब जो वो थे बागेश्वर धाम के जो बाबा है मतलब काफ़ी एक तरह से कहे तो मतलब उनके पास शक्ति है, मतलब जैसे कहे तो जैसे पता इन्होंने मतलब हालांकि में अभी एक वीडियो वायरल हुई थी मतलब जो न्यूज़ रिपोर्टर है उनको यही लग रहा था कि ये एक तरह से फेक बना रहा है मतलब अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा था, जो उनकी टीम आई थी तो बाबा ने यही बोला था कि मतलब तुम अपने 3 रिपोर्टर भेजो और मैं उनकी मतलब जो वो लिखते हैं मतलब पहले ही पर्चे पे कि मैं उनका जो भी दुख है या उनको कुछ भी समस्या मैं पहले ही पर्चे पे लिख दूँ। तो उन्होंने भाई 3 रिपोर्टर भेजे थे, फिर उन्होंने जब पर्चे पे लिखा था वो बिल्कुल सही लिखा था, तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि मतलब कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, और फिर वो उनको भी मतलब बिलीव नहीं हो रहा था, पर जब उनके सामने आंखों के सामने हुआ तो उनको भी वो विश्वास करना ही पड़ा। और दोस्तों अपने ऊपर मन के ऊपर मानना है ना मानना है, जिसको मतलब कि मानो तो गंगा जल ना मानो तो पानी, मतलब लोगों की श्रद्धा बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि जो शक्तियाँ थी उन्होंने अपने प्रूफ कर दिए, काफ़ी लोगों को इन्होंने जो मीडिया के लोग आए थे उनको भी साबित करके दिखा दिया, मीडिया भी हक्की बक्की रह गई थी इनकी शक्तियाँ देखकर। उन्होंने मीडिया वालों से कहा कि आप किसी व्यक्ति को बुला लो, उनका पर्चा उन्होंने पहले लिख दिया था और मीडिया वालों को ही बोला कि आप ही किसी बंदे को बुला लो, मैं जाके मतलब कि जो ऑडियंस थी पब्लिक बैठी थी उन्होंने मीडिया वालों ने बुलाया भी और सब कुछ मीडिया के बारे में जो बंदा था उसके बारे में बता दिया और ये भी मीडिया वाले भी चौंक गए थे। हाँ जैसा कि बताया मतलब कि बताया जा रहा है कि टीवी में हो गया सोशल मीडिया पर इनकी जो सुर्खियाँ हैं उनका इनकी जो मतलब जो बातें हैं काफ़ी मतलब वायरल हो गए काफ़ी तेज, और मतलब जितने भी जो अपोज हो गए जितने भी उस पर अपोज करने एक्सपोज करने में लगे हैं कि ये थोड़ा फेक है ये कुछ ट्रिक अपनाते हैं कुछ ऐसा है, पर कोई भी इनको अभी तक गलत साबित कर नहीं पाया है। हाँ दोस्तों इनके ऊपर मतलब ख्याल से मेरे ख्याल से FIR भी दर्ज हुई थी मगर वो भी क्लीन चिट दे दी मतलब कि पुलिस ने कि ऐसा कोई जादू जुदू नहीं कर रहे हैं और अपनी भक्तों की भलाई कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला जो इन्होंने बातें बोली कि हमारे जितने भी पंडाल हैं वहाँ पे दान पेटी नहीं है, हम लोगों को भंडारा करवाते हैं शादियाँ करवाते हैं, जो औरतें जो लड़कियाँ बेचारी उनके जो पिता हैं वो दहेज देने में असमर्थ हैं उनके लिए वो मतलब कि शादियों का बंदोबस्त करवाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं ये, ना कि मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं ये। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपको पसंद लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो की चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों।